हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे में होंगे। कुछ भी आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। ओके, सो बेसिकली आपको इनपुट में क्या गिवन होगा, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन होंगे एंड देन एरे के कुछ एलिमेंट्स गिवन होंगे और आपको सेकेंड लार्जेस्ट निकालना है। ठीक है, इस पूरे एरे में आप देख सकते हो लार्जेस्ट क्या है, 35 एंड सेकेंड लार्जेस्ट है 34। सो आपको 34 रिटर्न करना है। ओके, बेसिकली आप एक बार स्क्रीन को पॉज करके ये सब पढ़ भी सकते हो। ओके, नाउ यू डोंट नीड टू रीड इनपुट या प्रिंट एनीथिंग। योर टास्क इज जस्ट टू कंप्लीट द फंक्शन प्रिंट टू लार्जेस्ट। ओके, विच टेक्स द एरे एज ऑफ इंटीजर्स ए आर आर एंड एन एज पैरामीटर्स एंड रिटर्न्स एन इंटीजर डिनोटिंग द आंसर। इफ सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट देन रिटर्न -1। ओके, सो अगर लेट्स सपोज सेकेंड लार्जेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हमें -1 रिटर्न कर देना है। ठीक है, एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपेक्टेड क्या है, ऑर्डर ऑफ एन, एंड ऑक्सिलरी स्पेस क्या है, ऑर्डर ऑफ वन। ऑर्डर ऑफ वन मतलब हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना है। कॉन्स्टेंट्स क्या है, 10^5 तक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इंटीजर का रेंज 10^9 तक होता है अप्रोक्सीमेटली। सो अब हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखते हैं। सो नाउ लेट्स सी द अप्रोचेस कि हम क्या क्या अप्रोच लगा सकते हैं। पहला अप्रोच आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्यों ना हम एरे को अरेंज कर दें, है ना। सो अरेंज कर देते हैं 1, 2, 12, 34, 34, 35। ओके, आप असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। अगर आपके एरे में सारे एलिमेंट्स यूनिक होंगे तो क्या होने वाला है कि जो भी सेकेंड एलिमेंट होगा पीछे से, वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। बट ये वाला केस फॉल्स हो जाएगा अगर लेट सपोज ऐसा हो कि आपके पास ये ऐसे एरे हैं। ठीक है, लेट सपोज आपका एरे अगर ऐसा है तो उस केस में आपका सेकेंड पीछे से सेकेंड एलिमेंट क्या है, 35, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट नहीं होगा, है ना। सो वो थोड़ा बहुत आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बट ये एक अप्रोच हो सकता है। ठीक है, कि आप असेंडिंग में जमा लो या डिसेंडिंग में जमा लो, बट ना यही मतलब ये जो अभी जो मैं बताया यही फेल होने का कारण नहीं है। इसका और एक फेल होने का कारण ये है कि जो भी सॉर्टिंग टेक्निक्स होते हैं, आइदर हम असेंडिंग में जमाएं या डिसेंडिंग में जमाएं, बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हम निकाल सकते हैं वो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन ही है। ओके, सो जो बेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं उनको भी अगर आप यूज करो तो एन लॉग एन से नीचे वाली सॉर्टिंग आप नहीं कर सकते। ठीक है, और हमें, आपको अगर याद हो तो हम क्या देखे थे कि हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था, वो था ऑर्डर ऑफ एन। अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में नहीं पता तो बस इतना जान लो कि ऑर्डर ऑफ एन इज बेटर देन ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, सो हम ऑर्डर ऑफ एन में उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे और बहुत ही ईजी है, इसमें हमें कोई सॉर्टिंग जैसा एक्स्ट्रा चीजें यूज ना करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं कि इसको सिंपली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, दो वेरिएबल लेंगे, एक हम लेंगे फर्स्ट मैक्सिमम, एक हम लेंगे सेकेंड मैक्सिमम। ठीक है, सो फर्स्ट मैक्सिमम को मैं नाम दे देता हूं एफ एंड सेकेंड मैक्सिमम को मैं नाम दे देता हूं एस। फर्स्ट मैक्सिमम मैं पहले ही एलिमेंट को फर्स्ट मैक्सिमम मान लेता हूं। ठीक है, अगर मैं पहले ही एलिमेंट को फर्स्ट मैक्सिमम मान ले रहा हूं तो सेकेंड मैक्स को मैं -1 रख देता हूं। ठीक है, तो अब आप पूछोगे कि फर्स्ट नंबर को मैंने फर्स्ट मैक्सिमम क्यों मान लिया। ऐसा इसलिए मैंने माना कि हम पहले वाले को ही मान लो हम बड़ा मान लेते हैं। ठीक है, तो बाकी से कंपेयर कर लेंगे, अगर उससे कोई बड़ा मिलेगा तो हम फर्स्ट मैक्स को अपडेट कर देंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ठीक है, और सेकेंड मैक्स को मैंने -1 क्यों लिया, कोई और क्यों नहीं लिया। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि हमें देखो क्या रिटर्न करना था। अगर मान लो ऐसा हो कि हमें सेकेंड मैक्स मिले ही ना तो हमें -1 रिटर्न करना था, तो इसीलिए मैंने शुरू में ही उस केस को हैंडल करने के लिए -1 ले लिया। अब आप ये पूछ सकते हो कि ऐसा भी तो हो सकता है कि एरे में कोई एलिमेंट ही ना हो, तो आप कैसे एफ जो फर्स्ट मैक्स है उसको 0 ले दे रहे हो, तो वो क्वेश्चन में हैंडल रहता है। ठीक है, कॉन्स्टेंट में लिखा रहता है कि एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होगा ही होगा, और वो आप देख लेना। ठीक है, ऐसे कई सारे डिफरेंट केस भी आ सकते हैं, मैं बस आपको केस समझा रहा हूँ, किसी चीज को रटा नहीं रहा हूँ, ताकि आप इस चीजों को भी समझे, कॉन्स्टेंट देख के कैसे डील कर सकते हो। ठीक है, अब क्या सेकेंड मैक्स -1 कभी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। पहला केस, अगर एरे में एलिमेंट ही ना हो तो सेकेंड मैक्स
ऑब्वियस सी बात है यार, माइनस वन हो सकता है, या फिर एरे में एक ही एलिमेंट हो, हाँ तब भी सेकेंड मैक्स होगा ही नहीं ना। मान लो एरे में बस एक ही एलिमेंट, तो सेकेंड मैक्स क्या होगा? वही तो, वो कुछ होगा ही नहीं ना, क्योंकि एक ही मैक्सिमम है वो फर्स्ट मैक्स होगा। और एक केस, अगर मान लो एरे में सारे एलिमेंट सेम हो, तब भी तो यार सेकेंड मैक्स होना ही नहीं है। मान लो एक एरे में सारे एलिमेंट्स टेन 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 है, तो कौन सा सेकेंड मैक्स है? कोई सा नहीं यार, सारे फर्स्ट मैक्स ही है। तो ऐसे कई केस हैं जहाँ पे सेकेंड मैक्स नहीं आएगा, तो उस समय हमें माइनस वन रिटर्न करना है। इसीलिए मैंने इसको ऐसे पहले से ही हैंडल कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो हमने क्या किया, पहले वाले को फर्स्ट मैक्स मान लिया। अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे यहां से, ठीक है। कहाँ से? यहां से, यहां से, वन से। जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, क्योंकि जीरो को कंपेयर करने से क्या फायदा है यार बताओ, क्योंकि जीरो को तो पहले ही हमने मैक्स मान लिया है ना। तो अब इससे कंपेयर करेंगे, क्या जो ये एलिमेंट है 35 वो हमारे फर्स्ट मैक्स से बड़ा है? हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट मैक्स को अब हम डाल देंगे सेकेंड मैक्स में, और ये जो एलिमेंट जो अब बड़ा निकल गया उसको हम फर्स्ट मैक्स में डाल देंगे। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि लेट्स सपोज आप मान लो कोई बड़ा एलिमेंट है, ठीक है, अब उससे भी कोई बड़ा आ गया, तो अब वो क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा ना, या फिर ऐसा बोल लूँ वो सेकंड बड़ा हो जाएगा। वही हम कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, सभी के साथ अब चेक करेंगे, ठीक है। इसके साथ चेक करते हैं, तो इसके साथ चेक करेंगे तो देखेंगे कि ये जो एलिमेंट है क्या वो फर्स्ट मैक्स से बड़ा है? नहीं है। यहीं पे हमें रुकना नहीं है, हम सेकेंड मैक्स से भी कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना यार, सोच के देखो कि वो एलिमेंट फर्स्ट मैक्स से तो छोटा है बट सेकेंड मैक्स से बड़ा है, उस केस में हमें सेकेंड मैक्स को अपडेट करना पड़ेगा। अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो अभी देखना, नेक्स्ट स्टेप में समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम इसमें आएंगे तो हमारा एलिमेंट क्या होगा, 34, ठीक है। अब खुद सोचो 34 35 से बड़ा है क्या? नहीं है। तो फर्स्ट मैक्स तो अपडेट नहीं होगा, बट जो 34 है वो एफ मैक्स से छोटा है और सेकेंड मैक्स से बड़ा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अब मुझे सेकेंड मैक्स को अपडेट करना ही पड़ेगा? ऑब्वियसली बात है ना, 34 एक अच्छा कैंडिडेट है सेकेंड मैक्स बनने का, है ना। क्योंकि हमें क्या चाहिए, ऐसा नंबर जो फर्स्ट मैक्स से तो छोटा हो बट सेकेंड मैक्स से बड़ा हो। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। अब हम करते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या किया, अब हमको मिला 34, क्या ये फर्स्ट मैक्स से बड़ा है? नहीं है यार। तो क्या ये सेकेंड मैक्स से बड़ा है? नहीं, उससे भी बड़ा नहीं है, तो हम अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, इसमें आ गए, अब हम देखते हैं कि क्या ये फर्स्ट मैक्स से बड़ा है? नहीं है यार। अब हम सेकेंड बार जो हम देखेंगे उसमें हम देखेंगे क्या ये फर्स्ट मैक्स से छोटा है? हाँ फर्स्ट मैक्स से छोटा तो है, तो ये हो सकता है सेकेंड मैक्स बन जाए। बट फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये साथ में ही सेकेंड मैक्स से बड़ा है? नहीं, सेकेंड मैक्स से बड़ा नहीं है, तो ये हमारा कंटेस्टेंट नहीं बन सकता, और फाइनली हमारा लूप एंड हो जाएगा। और आप देख भी सकते हो कि हमें सेकेंड मैक्स एलिमेंट मिल चुका है जो कि है 34। सो बहुत ही इजी है, ओके। इसको हम एक बार कोड करके देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। सो नाउ लेट्स कोड, ओके। सो बेसिकली हमें क्या क्या चाहिए यार, हमें क्या चाहिए था, एक तो चाहिए था हमें फर्स्ट मैक्स। फर्स्ट मैक्स को हम क्या रखने वाले थे, एरे ऑफ जीरो ही रख देते हैं, है ना। एरे ऑफ जीरो पहले वाले को ही हम फर्स्ट मैक्स मान लेते हैं। सेकेंड मैक्स में क्या रख देते हैं, माइनस वन। और हमें रिटर्न भी क्या करना है यार, सेकेंड मैक्स, तो इसको मैं पहले से ही रिटर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप चला देते हैं। फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ऑब्वियसली यार इंट आई इज इक्वल टू जीरो से लेके आई लेस देन एन तक चलने वाला है, ये बेसिक फॉर लूप हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं, ठीक है। इफ इफ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन एफ मैक्स, तो हम क्या करने वाले हैं, एफ मैक्स को अपडेट करने वाले हैं। बट ध्यान रखना, यहाँ कई बार गलती हो जाता है, हम पहले एस मैक्स में एफ मैक्स को डालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं, अभी देखो ये वाला लाइन तो आपको समझ आ रहा होगा कि एफ मैक्स में एरे ऑफ आई को डालने वाला हूँ, बट अगर मैं ये वाले लाइन को, ये जो 20 लाइन है, इसको पहले लिख देता तो एफ मैक्स में मैं एरे ऑफ आई डाल देता, तो एफ मैक्स का तो वैल्यू लॉस्ट हो जाता ना, तो मैं उसको एस मैक्स में कैसे डाल पाता। तो इसीलिए मैंने पहले एफ मैक्स को एस मैक्स में डाला और फिर उसके बाद एरे ऑफ आई को मैंने एफ मैक्स में डाला। आई होप आपको ये समझ आएगा। अब यहीं पे हमें रुकना नहीं है, एक हम और स्टेप करेंगे कि अगर एरे ऑफ आई एफ मैक्स से छोटा है तो वो एक वैलिड कंटेस्टेंट बन सकता है।
किसका? एस मैक्स का। बट साथ में एक और कंडीशन भी उसको वेरीफाई करना चाहिए कि वो एस मैक्स से बड़ा हो, है ना। दोनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए, पहला कि वो एफ मैक्स से तो छोटा हो, दूसरा एस मैक्स से बड़ा हो। अगर ऐसा होता है तो वो एक वैलिड कंटेस्टेंट है एस मैक्स बनने का। तो एरे ऑफ आई को मैं एस मैक्स में डाल दूंगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कोड है, इसको एक बार हम रन करके देखते हैं। ओके सो चल रहा है, इसको एक बार हम सबमिट भी लगा के देखते हैं। आई होप ये सबमिट भी बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सा कोड है, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? ऑर्डर ऑफ एन, बिकॉज हमें एक ही बार ट्रेवर्स करना पड़ रहा है। इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? ऑर्डर ऑफ वन, क्योंकि हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर ही नहीं रहे हैं। ओके सो बहुत ही सिंपल सा कोड है ये। ओके इफ यू वॉन्ट इसको मैं जावा में भी कोड करूँ, तो एक बार मैं ये सभी चीजों को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जावा में भी। बहुत ही सेम है यार, है ना, कोई बहुत बड़ी चीज डिफरेंस नहीं है ज्यादा C++ और जावा में, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया है, एसमैक्स को -1 कर दिया। एक बार मैं बस कंपाइल रन करके देखता हूँ, अगर कोई एरर आएगा तो उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। थोड़ा मोड़ा सिंटैक्स में कुछ चेंज होगा तो देखते हैं, नहीं है कुछ भी चेंज। देखो पूरा सेम है C++ और जावा का कोड। ओके सो ये भी सारे टेस्ट केस पास कर जाएगा। ओके सो इसके कई दूसरे ना वेरिएशंस भी आ सकते हैं। ऐसा वेरिएशन आ सकता है यार कि लेट सपोज इसमें इंडेक्स आपको रिटर्न करने बोले, ठीक है। तो इंडेक्स तो कर लोगे उसमें, हम अभी तो हम वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, आप इंडेक्स भी रिटर्न कर देना। या फिर ऐसा देखो, इंडेक्स वाले में प्रॉब्लम क्या हो सकता है मालूम? अगर मान लो कि एरे में, ओके लेट सपोज आपके पास जो एरे है, जैसे यही एरे को ले लो, ठीक है। ये एरे में प्रॉब्लम क्या हो सकता है इंडेक्स में? ओके सो जो प्रॉब्लम क्या आ सकती है इंडेक्स में, इंडेक्स के वेरिएशन में, कि मान लो इसी क्वेश्चन में अगर कोई सेकंड मैक्स पूछता है सेकंड मैक्स का इंडेक्स, तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में वो पहले वाले इंडेक्स को पूछ रहा हो कि जहां भी सेकंड मैक्स आ रहा है उसके पहले वाले इंडेक्स को बताओ। कोई क्वेश्चन में ऐसा भी रहता है कि अगर वो सेकंड मैक्स बाद में आ रहा है तो उसके लास्ट वाले इंडेक्स को बताओ। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन के थोड़े थोड़े डिफरेंट वेरिएशंस भी आ सकते हैं, बट मेन मोटिव तो सेम रहने वाला। अभी भी आपको कोई डाउट है, यू कैन सियोरली आस्क ऑन कमेंट सेक्शन, आई विल हैप्पी टू रिप्लाई इट। थैंक यू भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना।